आपने पिछले ही क्लास में पढ़ा कि सब ग्रुप क्या होता है और सब ग्रुप से रिलेटेड कुछ बेसिक्स थ्योरम्स हमने छोटे छोटे थ्योरम्स किए है ना। आज हम लोग इम्पोर्टेंट थ्योरम्स करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि सब ग्रुप क्या होता है, ठीक ना। चलिए हम थोड़ा सा आपको रिकॉल आज करेंगे कि सब ग्रुप क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि सब ग्रुप के लिए नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन है ना जो होता है, वहां पे आपको दो थ्योरम्स पढ़ने हैं, ठीक। जैसे कि अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये समझ लीजिए कि मान लेते हैं ऐसा कुछ नहीं होता कि एक कोई ग्रुप है जी, अब ग्रुप है तो मतलब वो पता है आपको, ये कोई एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। अच्छा, इस सेट का एक सबसेट निकाल लेते हैं हम एच, ठीक है। तो ये एच इस जी का सब ग्रुप होगा कब, यदि ये चार ऑक्सीजन को सेटिस्फाई करता है। फिर से सुन लीजिए, जी क्या है, एक सेट है और इस सेट का एक सबसेट है एच, ठीक है ना। इसी सेट का एक सबसेट है एच और ये सबसेट इस ग्रुप के लिए सबसेट की जगह सब ग्रुप कहलाने लगेगा, कब, जब ये चार ऑक्सीजन सेटिस्फाई करेगा, ठीक ना। तो अब इसी से रिलेटेड इस ग्रुप का एक सबसेट लेंगे एच और इस एच को सब ग्रुप कहने के लिए इस चार ऑक्सीजन का नहीं कुछ दूसरा कंडीशंस का यूज करेंगे, वही नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कहलाता है। और यहाँ पे हमको दो थ्योरम्स पढ़ने हैं, जिसमें से पहला थ्योरम आज हम लोग करेंगे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सब ग्रुप टॉपिक के ऊपर। तो चलिए पहला थ्योरम का हम लोग स्टेटमेंट देखें, जहां पे जो रिक्वायरमेंट होगा मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि एक ग्रुप जी है और उसका नॉन एम्प्टी सबसेट एच है। फिर से सुन लीजिए, अ नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप, मतलब कि जो नॉन एम्प्टी सेट है ना एच, नॉन एम्प्टी सेट जो है वो किसका है, जी का है। ये जी क्या है, एक ग्रुप है, दे चुका दे ही दिया है पहले से कि जी जो ग्रुप है, इस ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट, इस ग्रुप का नॉन एम्प्टी सबसेट वो सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि एच यदि सब ग्रुप होगा तो ये दोनों कंडीशन होगा, ए बी, ए बिलोंग टू एच, ए बिलोंग टू एच, बी बिलोंग टू एच, दिस इंप्लाई दैट ए बी बिलोंग टू एच। और सेकंड क्या है, ए बिलोंग टू एच, दिस इंप्लाई दैट ए इनवर्स बिलोंग टू एच। मतलब फिर से समझ लीजिए कि यदि एच, एच अभी क्या था, इस ग्रुप जी का सबसेट है, सिर्फ सबसेट है, ध्यान रखना है सबसेट है, ठीक। तो एच यदि सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई करेगा, और अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये एच सब ग्रुप होगा। मतलब आपको यहाँ पे काम क्या करना है कि पहला केस अगर आप नेसेसरी पार्ट लिखते हो तो आपको मान लेना है कि एच सब ग्रुप है, आपको ये दोनों प्रूफ करके दिखाना है। फिर सेकेंड केस में हम लोग लेंगे, मान लेंगे ये दोनों केस प्रूफ, ये दोनों केस सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम उस वहां पे सेकेंड केस में दिखाएंगे इन दोनों केस को मानने के बाद कि एच जो होगा वो सब ग्रुप होगा। इस चीज को हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ अ सब ग्रुप कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं नेसेसरी कंडीशन लिखते हैं सबसे पहले, नेसेसरी कंडीशन की जगह आप नेसेसरी पार्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। यहां पे मान लेते हैं लेट एच बी अ, है ना, हम लिखते हैं एच, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एच, हमने ये माना, वी हैव टू शो दैट देखिए हमने एच को सब ग्रुप मान लिया जी का, तो हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, हमें ये दो चीज दिखाना है। पहला चीज कि अगर ए एच का एलिमेंट होगा, बी एच का एलिमेंट होगा, तो ए बी भी एच का एलिमेंट होगा। इस प्रॉपर्टी को हम लोग नहीं कह सकते क्लोजर का, ठीक है ना। और सेकंड प्रूफ करना कि अगर ए एच का एलिमेंट है, दिस इंप्लाई दैट ए इनवर्स भी एच का एलिमेंट होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने मान लिया कि ये सब ग्रुप है, तो हम ये दो चीज को प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे ये ध्यान देते हैं। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सिंस, सिंस एच इज
सिंस एच इज क्या है, एच हमारा क्या है, एच इज सब ग्रुप, ठीक है ना, सब ग्रुप हो गया। सब ग्रुप होने का मतलब है कि वो एच अपने आप में एक ग्रुप है। यदि आप सब ग्रुप का डेफिनेशन जान रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एच अगर सब ग्रुप है तो वो अपने आप में एक ग्रुप है। सिंस एच इज ए सब ग्रुप देयरफोर इट मस्ट बी होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, या मस्ट बी होल्ड क्लोजर लॉ, ठीक है ना। देयरफोर ए बी बिलोंग्स टू, अगर एच है तो ए बी जरूर बिलोंग करेगा एच में। क्यों? क्योंकि एच क्या है, सब ग्रुप है। सब ग्रुप है तो वो अपने आप में ग्रुप होगा, अगर ग्रुप है तो फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। देखिए पहला पार्ट तो हमारा प्रूफ हो गया, अब सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेकंड पार्ट के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंस एच इज अ सब ग्रुप देयरफोर ईच एलिमेंट ऑफ एच, लिखिए सिंस एच इज अ सब ग्रुप देयरफोर ईच एलिमेंट, है ना, सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी देयरफोर ईच एलिमेंट ऑफ एच, इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे अभी, है ना। देयरफोर ईच एलिमेंट ऑफ एच यहां पे है, ईच एलिमेंट ऑफ एच पॉसेसेस एज इनवर्स इन एच एंड वी नो दैट या फिर यहां से हो गया ना, चलिए लिख सकते हैं एंड वी नो दैट क्या है इसके बाद, ए इनवर्स बी द इनवर्सेस ऑफ ए, दिख रहा है ना जी, ठीक है ना, बी इनवर्सेस ऑफ जी। अच्छा देन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा, देन ए इनवर्स इज ऑल्सो द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है, ये समझ में आया। अच्छा तो ये हमारा यहीं पे सेकंड पार्ट, यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट प्रूफ होता है, क्लियर ना। आप यहाँ पे चाहे तो आप लिख सकते हैं जो क्वेश्चन में मेंशन किया गया है, लिख देंगे वेयर ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको सेकंड केस में डाउट हो, फिर से हम रिकॉल कर देते हैं नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट क्या है, हम लोग क्या किए कि लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, हम एच को सब ग्रुप मान लिए तो हमें दिखाना क्या था, वी हैव टू शो दैट ये बोथ कंडीशंस। तो आपको पता होना चाहिए कि एच अगर सब ग्रुप है, सब ग्रुप है कहने का मतलब कि वो अपने आप में ग्रुप है, और जैसे ही ये अपने आप में ग्रुप है तो वो चार ऑक्सियम्स सेटिस्फाई करेगा। चार ऑक्सियम्स कौन कौन होते हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी, या फिर एक होता है क्लोजर लॉ एसोसिएटिविटी, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और फिर चौथा और इंपॉर्टेंट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो देखिए हमने लिखा सिंस एच इज अ सब ग्रुप देयरफॉर इट मस्ट बी होल्ड क्लोजर लॉ, तो क्लोजर लॉ होल्ड करेगा। तो ए और बी अगर एच में बिलोंग कर रहा है, ए कॉमा बी, ए भी एच में बिलोंग कर रहा है, बी भी एच में बिलोंग कर रहा है, तो इन दोनों का बाइनरी ऑपरेशन से जो प्रोडक्ट बनेगा, जो एलिमेंट बनेगा, वो भी एच में बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजर लॉ होल्ड कर रहा है। तो पहला पार्ट प्रूफ हो गया ना, ए बिलोंग कर रहा है एच में, ए बी बिलोंग कर रहा है एच में, तो ए भी बिलोंग टू एच, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ठीक है ना। चलिए सेकंड पार्ट, वही बात है कि सिंस, अच्छा चौथा ऑक्सियम क्या थे इसका, कि वो इनवर्स वाला
प्रॉपर्टी इनवर्सल ऑफ देम भी सेटिस्फाई करेगा। तो वही चीज लिखेंगे, सिंस एच इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एच पोजेसेस एस इनवर्स, है ना, कि एच का सारे एलिमेंट अपने इनवर्स पोजेस करेगा। एंड वी नो दैट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी, क्योंकि यहीं पे मेंशन कर दिया हुआ था कि ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी, हमें यहां से पता है कि ए इनवर्स जो है ना वो ए का इनवर्स है जी में। तो अगर ये एलिमेंट एच में लेते हैं, ए बिलोंग टू एच लेते हैं, तो यहाँ पे भी इसका इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स ही होगा। हमने पिछले क्लास थ्योरम पढ़ रखा था कि जो जी के लिए जो इनवर्स है, जो जी के लिए इनवर्स है वो एच के लिए भी वही इनवर्स होगा उस एलिमेंट का। इसलिए हमने लिखा कि देन ए इनवर्स इज ऑल्सो द इनवर्सेस ऑफ ए इन एच, ठीक है ना, दैट इज ए बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वेयर ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी। तो हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया। अब इसी तरीके से हम लोग कंडीशन सफिशिएंट वाला प्रूफ करेंगे। अभी तो नेसेसरी पार्ट प्रूफ हुआ ना, हम लोग सफिशिएंट पार्ट देखते हैं, वो भी बड़ा सिंपल है। हम लोग वहां क्या करेंगे, उस दो जो ये दोनों जो कंडीशन है इस कंडीशंस को लेंगे और फिर एच को सब ग्रुप प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहां लिखेंगे सफिशिएंट पार्ट, सफिशिएंट पार्ट, ठीक है ना। हम लोग लिखेंगे यहां पे लेट पहला कंडीशन ए बिलोंग्स टू एच, बी बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाई दैट ए बी बिलोंग्स टू एच, क्लियर। और सेकंड कंडीशन भी यहां पर हम लोग लिख देते हैं, ए बिलोंग्स टू एच, दिस इंप्लाई दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। यहाँ पे जो ब्रैकेट में एकदम सेम लिख देना है, वेयर ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए इन जी, ठीक है ना। वी हैव टू शो दैट, हमें क्या ये कंडीशन माने तो अब क्या दिखाना है, एच को सब ग्रुप लिख देंगे। वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट H is a sub group, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आते हैं, अच्छा जरा अब ये बात बताइए, H को क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप। और H है क्या, H जो है ना वो ग्रुप G का एक सबसेट है, सबसेट है। एक कंडीशन तो प्रूफ हो गया ना कि वो इसका सबसेट है। अब सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आपको चार ऑक्सियम्स प्रूफ करने होंगे, इसे अपने आप में एक ग्रुप होना पड़ेगा, तब जाके ये जी का एक सब ग्रुप हो पाएगा। तो इसे अपने आप में ग्रुप होने के लिए इसे चार ऑक्सियम्स सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। चार ऑक्सियम्स कौन-कौन, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिविटी लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चार। तो क्लोजर लॉ तो आपको दिख रहा होगा, कंडीशन वन में ए बी एच में है तो ए बी बिलोंग्स टू एच, क्लोजर लॉ तो दिख ही गया। अब इनवर्स वाला भी यहाँ पे दिख गया, ए बिलोंग्स टू एच तो ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, दो कंडीशन तो यहीं पे हमने दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब प्रूफ करना है एसोसिएटिविटी का और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट इसे भी हम लोग मेंशन कर देते हैं यहाँ पे प्रूफ में, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या कर देते हैं, लिख देते हैं उसको भी, लिखेंगे सफिशिएंट पार्ट में, फॉर दिस वी नीड टू शो दैट एच इज अ ग्रुप। अच्छा इसी चीज को शो करने के लिए हमें इसको एच को सब ग्रुप शो करने के लिए क्या करना होगा, लिखेंगे फॉर दिस वी हैव टू शो दैट we have to show that h is a group, ठीक है, h is a group with respect to binary operation defined in g, बस। चलिए अब हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन वन h इज क्लोज्ड
फ्रॉम कंडीशन वन से क्या दिख रहा है, अगर ए एच में है बी एच में है तो ए बी एच में होगा, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम कंडीशन वन एच इज क्लोज, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड कंडीशन क्या है, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिविटी भी लिख सकते हैं। तो लिखेंगे यहां पे क्या लिखा हुआ है, सिंस सिंस एच इज अ सबसेट ऑफ जी, एच इज अ सबसेट ऑफ जी, ठीक है, देयरफॉर द एलिमेंट ऑफ एच हैज, देयरफॉर एलिमेंट ऑफ एच होल्ड्स एसोसिएटिविटी, यहां लिख दीजिए क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए एक जो जी जो है ना, जी क्या है, अपने आप में एक ग्रुप है, ग्रुप है तो इसका सारा एलिमेंट क्या होगा, इसका सारा एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, इसका सारा एलिमेंट एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। अब इससे हम एक सबसेट बना दिए एच, तो इस जो सबसेट हम नया ये सबसेट बनाए हैं एच, इसमें वही एलिमेंट है ना जो इसके एलिमेंट है, कुछ एलिमेंट यहाँ लेकर आ गए तो एक नया सबसेट बन गया, तो यहाँ पे वही एलिमेंट है जो यहाँ पे पहले प्रेजेंट थे, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो भी पहले से प्रेजेंट थे वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहे थे, तो यहाँ से यहाँ आ जाने के बाद अपना प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी रहने के बाद भी वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे, तो इसलिए हमने लिखा कि इफ या सिंस एच इज सबसेट ऑफ जी देयरफॉर एलिमेंट ऑफ एच होल्ड्स एसोसिएटिविटी, तो हमने दो लॉ को प्रूव कर दिया, ग्रुप होने के लिए दो एक्सियम्स और प्रूव करने होंगे। तीसरा क्या है, तीसरा कहता है ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटीज, ठीक है ना, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि फ्रॉम कंडीशन टू वी हैव, फ्रॉम टू वी हैव, कंडीशन टू लिखिए ज्यादा सही रहेगा, फ्रॉम कंडीशन टू वी हैव, क्या है हमारे पास, हमारे पास है कंडीशन टू के हिसाब से अगर ए बिलोंग कर रहा है एच में तो ए इनवर्स भी बिलोंग करेगा एच में, तो इनवर्स तो ऐसे ही दिख जाए ना, अच्छा हाँ इनवर्स हो रहा है तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई दैट, सो नाउ फ्रॉम कंडीशन वन, नाउ फ्रॉम कंडीशन वन, वन हमारे पास क्या था, दैट इज हमारे पास था ए, अगर अगर ए एच में है बी एच में है, दिस इंप्लाई दैट ए बी बी एच में होगा, तो अब देखिए जरा यहाँ पे ए एच में है, ए इनवर्स एच में है, पहले हमने सबसे पहले फ्रॉम कंडीशन टू से यहाँ पे ऐसा लिखा कि ए एच में है तो ए इनवर्स एच में होगा, उसी तरीके से अब कंडीशन टू कहता है कि अगर ए एच में है और ए इनवर्स एच में है तो इन दोनों का ऑपरेशन जो होगा वो भी एच में होगा, दिस इंप्लाई दैट ए के साथ अगर ए का इनवर्स कराया जाए ऑपरेशन तो क्या होगा, एच में होगा, इसका वैल्यू क्या होता है, दिस इंप्लाई दैट ई बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ए का इसी के इनवर्स के साथ ऑपरेशन कराएंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा, मतलब कि ई बिलोंग्स टू एच, तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, दैट इज या फिर हेंस नीचे लिख लीजिए, हेंस एच होल्ड्स आइडेंटिटी एलिमेंट, या फिर हमने लिखा कि हेंस ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच। अब एक लास्ट बच गया, लास्ट क्या बच गया आपका, वो बचा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स का प्रॉपर्टी तो ऐसे ही दिख रहा है कि सेकंड से इनवर्स को होल्ड कर रहा है वो, क्लियर ना, चलिए तो हम लोग एक लास्ट प्रॉपर्टी भी हम लोग प्रूव करेंगे ऑक्सियम्स वाला, एक लास्ट ऑक्सियम्स जो बचा है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का, चलिए फोर्थ नंबर में लिखिए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये क्या कहता है, देखो फ्रॉम कंडीशन टू वी हैव,
हमारे पास क्या है फ्रॉम कंडीशन टू, हमारे पास है ए बिलोंग्स टू एच दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ए बिलोंग्स टू एच दिस इंप्लाइज दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, या तो ऐसे ही बता दिया कि ए अगर एच में है तो उसका इनवर्स एच में होगा। तो हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट ईच एलिमेंट ऑफ एस पोजेसेस एस इनवर्स, हम लिख सकते हैं दिस शोज दैट each element of H possesses as inverse in H, ठीक है ना। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, H को ग्रुप होने के लिए जो रिक्वायर्ड ऑक्सियम्स थे, जो रिक्वायर्ड चार ऑक्सियम सेटिस्फाई कराने थे, हमने चारों ऑक्सियम सेटिस्फाई कराया। तो हम अब क्या कह सकते हैं, हम अब कह सकते हैं कि therefore H itself is a group, therefore H it है ना, यहाँ पर it है, देखिए it self is a group, itself is a group, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ खत्म होता है बात, कि हमने itself is a group, therefore H is a subgroup, subgroup of G, hence the theorem, yeah, hence the result, लिख दीजिए, समझ में।